हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम मुकेश कुमार वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन नंबर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवलिन कन्फेस दैट शी इज समलिक एवलिन इस बात को मानती है कन्फेस मैंने किया तो मानना होता है she, uh, मानती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्क वाले वो किस तरह की लड़के एक वर्क वाले वर्क वाले क्या होता है अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग एक ऐसा पर्सन जो काम के बगैर नहीं रह सकता काम के बगैर नहीं रह सकता तो वो अपने आप को मानती है कि वो नहीं रह सकती विदाउट म्यूजिक के बिना काम के आई हैव जस्ट गोट टू वर्क मुझे सिर्फ काम पे ही जाना होता है ऑफ़न हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस ये काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है मेरे लिए क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखते हुए क्यों क्योंकि एक तो वो सुन नहीं सकती इस वजह से वो कह रही है कि मेरे लिए मुश्किल तो होता है लेकिन मुझे फ्री रहना अच्छा नहीं लगता बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस वो कह रही है लेकिन जो रिवार्ड्स जो उसको मिले हैं जो इनाम पुरस्कार जो उसको मिले मिले हैं वो काफ़ी इनॉर्मस हैं बहुत विशाल हैं इनॉर्मस मीन क्या होता है विशाल ठीक है वो काफ़ी मतलब क्या उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है मेरी मेहनत के आगे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट अपार्ट मैंने के अलावा रेगुलर कॉन्सर्ट जो रेगुलर परफॉर्मेंस देती हैं उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स एवलिन जो हैं फ्री uh, अपने जो प्रोग्राम्स करती हैं कहाँ पर प्रिजन्स में जेलों में ठीक है और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपने फ्री परफॉर्मेंस वो देती हैं शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस और वो प्रायरिटी का था गिव मोर इम्पॉर्टेंस वो क्या करती हैं कि जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको जो क्लासेस वगैरह देती हैं उनको कोचिंग एक हिसाब से वो कोचिंग देती हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं एंड रिचलिन ऑफ द बिथॉवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से फॉर डेफ चिल्ड्रन दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कांट गो अब क्या है जो एंड रिचलिन है वो बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन जो बच्चे बहरे होते हैं उनके एक वो संस्था चलाती हैं तो वो क्या कहते हैं शी शाइनिंग इंस्पिरेशन वो एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है इंस्पिरेशन क्या होता है आ, हम किसी से प्रेरणा लेते हैं ठीक है उसको इंस्पायर बोलते हैं इंस्पिरेशन प्रेरणा स्रोत कि वो एक प्रेरणा स्रोत है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते और देसी वो मतलब बच्चों के लिए कह रहे हैं देसी देर इज़ नो वेयर और वो बच्चे भी ये सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम नहीं जा सकते क्यों क्योंकि अगर एवलिन ग्लेनी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं दे गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम एवलिन ग्लैनी एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज अकम्पलिश क्या होता है टू गेट पाना ठीक है प्राप्त करना अचीव करना कहते एवलिन ग्लैनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया है और जो कि उनसे उसकी उम्र के जो डबल एज जो लोग हैं उसकी दुगनी उम्र के जो लोग हैं वो इतना नहीं कर पाते इतना नेम फेम इतने अवार्ड वो जीत चुकी है इतना उसका नाम है इतनी दौलत शोहरत है कि उसके डबल एज की जो पर्सन है वो इतना नहीं कर पाते जितना कि वो अचीव कर चुकी है शी हैज़ ब्रॉट प्रक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन भी वेरी मूविंग और वो क्या है प्रक्यूशन प्रक्यूजन मैंने जो तबला और जो uh, जाइलोफोन जो कि ऑर्केस्ट्रा uh, जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल म्यूजिशियंस uh, मतलब जो म्यूजिशियंस संगीतकारों का एक ग्रुप होता है तो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो आपका जो प्रिक्यूशन है तबला है और जो जाइलोफोन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उनको साइड में रखा जाता है मतलब एक तरह इतना फ्रंट में नहीं दिखाया जाता फ्रंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाते जिनको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को फ्रंट में दिखाया जाता है तो क्या है ये सिर्फ किसकी बदौलत था ये एवलिन ग्लैनी की ही बदौलत था कि वो जो प्रक्यूशन जो था जाइलोफोन उसको फ्रंट में ले आए ऑर्केस्ट्रा के और क्योंकि वो सोलो परफॉर्मेंस देती थी इस वजह से दूसरी चीज़ों को देखा भी नहीं जाता था सिर्फ़ और सिर्फ जाइलोफोन की सुन उसकी परफॉर्मेंस को देखने के ही लोग आते थे एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है प्रमाणित करना प्रूव करना और वो प्रूव कर चुकी थी दैट इट कैन बी वेरी मूविंग कि ये भी लोगों को अच्छा लग सकता है ये किसके बदौलत था सिर्फ और सिर्फ एवलिंग लेने की ही बदौलत था शी हैज़ गिवन इंस्परेशन टू दोस हु आर हैंडी कैप्ड पीपल हु टुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट इट कैन आई कैन शी हैव गिव शी हैज़ गिव इंस्परेशन उन्होंने प्रेरणा दी है उन लोगों को टू दोस्त हुआ आर हैंडीकेप्ट टू जो लोग अपंग थे जो कि जिनको सुनाई नहीं देता था या जो बोल नहीं सकते थे तो उनको उन्होंने प्रेरणा दी है और लोग टू लुक टू हर जब उनकी तरफ वो देखते हैं और वो कहते हैं शी इफ़ शी कैन डू इट आई कैन वो कह रहे हैं कि अगर ये लड़की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं एंड नोट द लिस्ट सिर्फ लिस्ट मैंने कहा तो न्यूनतम या कुछ एक लोग होते हैं कह रहे हैं कि ना सिर्फ कुछ एक लोगों को शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस कि वो लाखों लोगों को खुशी देती है जब वो परफॉर्मेंस करती हैं इनॉर्मस बहुत विशाल संख्या में लोगों को लाखों की संख्या में लोगों को आगे इंस्पायर करते हैं ये जो पार्ट है आ, एवलिन ग्लैनी का ये लिखा है डेबोरा खाउली इसके दो क्वेश्चन हम कल कर चुके थे और दो क्वेश्चन आज करेंगे ओके अभी आपके सामने में है हूं ओके okay, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो इस तरह से देख लेना बच्चा हु टू कंटिन्यू विद म्यूजिक व्हाट डिड ही डू एंड से किसने सहायता की थी हेल्प मैंने कहा था सहायता करना टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक म्यूजिक को कंटिन्यू करने में किसने एवलिन लेने की हेल्प की थी सहायता की थी एंड व्हाट डिड ही डू एंड से उसने क्या किया और क्या कहा अ फेमस प्रक्यूशनिस्ट एक तबला वादक था बहुत फेमस रॉन फॉर्ब्स उसका नाम था हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक उसने म्यूजिक में कंटिन्यू करने को उसको कहा था कि वो अपने म्यूजिक को जारी रखे ही सपोर्टेड हर एबिलिटी उसने उसकी जो एबिलिटी थी उसकी जो क्षमता थी उसको देखा ठीक है उसको पहचाना एंड एनकरेज हर और उसको उत्साहित किया एनकरेज मतलब उसको बहुत ज़्यादा आ, कहते हैं ना इंस्पायर किया कि आप लोग आप जो है मतलब एवलिन ग्लैनिक को कि आप म्यूजिक को कंटिन्यू रखो इसको स्टॉप ना करो उसको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया म्यूज़िक को लेकर के ही बिगेन टू प्ले टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स अब कह रहे हैं उसने शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम्स को बजाना अलग अलग टोन्स के ऊपर ठीक है अलग अलग जो ध्वनि थी जैसे कोई हाई बीट था कोई लो बीट था उसके ऊपर बजाना शुरू किया ही आस्क्ड हर उसने कहा ही आस्क्ड हर उसने उनको कहा डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स अपने कानों से मत सुनो ट्राई टू सेंस इट वे इसको किसी और तरीके से सुनने का प्रयास करो मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि इनको इस म्यूजिक को महसूस करो सुनने के बजाय महसूस करो क्योंकि शी वॉज अ डेफ गर्ल शी कॉन्ट हर्ड दैट्स वाई ही सेट टू हर दैट ट्राई टू लिसन इट सम अदर वे सेंस मीन्स के फील नेम द वेरियस प्लेस एंड कोजेस फॉर विच एवलिन इन ने वेरियस प्लेसिस मीन्स अलग अलग जगह का न, ज, स्थानों का नाम बताओ जहाँ उसने परफॉर्मेंस दिए और कारण बताना है फॉर विच एवलिन परफॉर्मेंस कोज मीन्स क्या है रीज़न बताना आपने क्यों वहाँ गए थे एवलिन इज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन एवलिन जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन है शी परफॉर्म्स इन रेगुलर कॉन्सर्ट वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अंदर भी परफॉर्मेंस करती है ठीक है एक्सेप्ट दिस शी गिवस फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजेंट्स एंड इन हॉस्पिटल्स इसके अलावा दिस इसके अलावा वह फ्री परफॉर्मेंसेज भी देती है प्रीजेंट्स के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर शी गिवस ग्रेट इम्पोर्टेंस टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशंस और जो यंग बच्चे थे जो युवा जो संगीतकार थे उनकी जो क्लासेस देती थी उनमें बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिया था एवलिन ग्लेने ने उनको बहुत इंस्पायर किया था she tries to inspire deaf children with her example और जो deaf बच्चे थे उनको उसने अपने example के through बहुत inspire किया उनको बहुत प्रेरित किया था thank you have a nice day और ये आपको दो question करने हैं और आपको homework की photo भी मेरे पास भेजने हैं thank you have a nice day